नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कतर की औरतें के बारे में। मेरा नाम कशिश है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास तक की शिक्षा पाई हुई थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बस मीडियम थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखना तलाश किया, तो पड़ोस के ही गांव से मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का रहने वाला तो गाँव का ही था, लेकिन उसकी नौकरी कतर में लगी हुई थी और उसकी नौकरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरे घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। लड़का पढ़ा लिखा भी था। तभी उसकी दूसरे देश में नौकरी लगी हुई थी। मेरी भी यही चाहत थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। ये रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी और मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरा होने वाला पति काफी सालों से ही कतर में नौकरी कर रहा था। वो अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसके छोटे तीन बहन भाई थे, एक कुंवारा भाई और दो छोटी बहनें थी। मेरे होने वाले पति के पिता तो काफी सालों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन माँ का साया अभी तक उन पर था। हमारा रिश्ता फोटो देखकर ही तय हो गया था। मेरा फोटो लड़के को दिखा दिया गया था और लड़के का फोटो मुझे दिखा दिया गया था, क्योंकि लड़का कतर में नौकरी करता था, इसलिए वो बार बार यहाँ पर नहीं आ सकता था। लड़के वालों की शर्त यही थी कि हमारा बेटा शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान वापस आएगा, और मेरा ये रिश्ता मेरे पिता के जानने वाले दोस्त ने ही करवाया था, इसलिए मेरा होने वाला पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों परिवारों की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात जब मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मेरे ससुराल भी बस ठीक ठाक ही थी। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। शादी के चार दिन बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कतर वापस जाना था, और यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3-4 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति सोहेल मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रहूँगी? हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे ये बात तो पता थी कि मेरे पति काफी सालों से ही कतर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वो 3-4 दिन बाद ही जाने लगे, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे तो यह नहीं पता था कि वो अचानक इतनी जल्दी कतर जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शायद 1-2 महीने यहाँ पर रुकेंगे, मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो 3-4 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने अपनी आँखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम ज्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फोन आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस बात पर कि मुझे किसी परदेसी इंसान से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था।
मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ। और जब वो घर वापस आए तो मैंने देखा कि वह लगभग 15-20 किलो फिटकरी लेकर आए थे। मुझसे कहने लगे कि सारी फिटकरी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी फिटकरी है, इसका भला आपको क्या काम है? और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है जिसे साफ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जा रहे हैं? मैंने अपने हिसाब से ही अपने पति को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही बर्तनों को साफ करने के लिए थोड़े से बर्तन में फिटकरी डालकर बर्तन को घुमाकर निकाल लिया करती थी। हमारे एरिया में गंदा पानी आया करता था। माँ कहती थी कि ऐसा करने से बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं और पानी के कीटाणु बर्तन पर नहीं लगते हैं। मेरी बात सुनकर सोहेल हंसने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे इलाकों में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहाँ पर तो शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी मिलता है। कतर की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है। ये बात मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कतर की औरतें फिटकरी को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती है। लगभग हर कतर की औरत के घर में ये फिटकरी मौजूद होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। सोहेल की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो हर दुकान पर फिटकरी मौजूद होती थी, लेकिन इस टाइम में सब कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी तो रख दी थी। मैंने रोते हुए सोहेल से कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तुम अपने पास बुला लेना। मैं सोहेल को देखकर इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। सोहेल के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर सोहेल कहने लगे, तुम ज्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूँगा। मैं जानती थी ये सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी दोनों छोटी नंदें बहुत ही ज्यादा चालाक थी। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज्यादा बाहर निकलकर भी नहीं आती थी, लेकिन मेरी दोनों नंदें हर टाइम मुझ पर निगाह रखती थी। उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाइयों की इतने सालों से जुदाई बर्दाश्त कर रही है। खैर, सोहेल मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता था, उनकी बहनें फोन पर अपने भाई से मेरी बहुत ज्यादा बुराइयां किया करती थी। वो इन सब बातों से बहुत तंग आ गए थे। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे। वो रोज मुझसे फोन पर बातें किया करते थे और कहते थे, कशिश, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो 3-4 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल में उदास हो जाता हूँ। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जिसे मैं सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे अपने पास कतर बुला रहे हैं। वो सारी कार्यवाही कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। ये सुनकर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी नंदों के चेहरे का रंग बदल गया था। वो चाहती थी कि उनका भाई उन्हें भी कतर बुला ले, लेकिन मैंने अपनी नंदों को नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सोहेल से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई भी सामान लेकर आऊँ? तो सोहेल ने मुझसे कहा, तुम मेरे लिए 20 किलो फिटकरी लेकर आना। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तो कुछ टाइम पहले ही सोहेल 15-20 किलो फिटकरी लेकर गए थे। अब फिर से 20 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है।
मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था। ऊपर से 20 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा वजन की वजह से पैसे चुकाने पड़े थे और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का ये कतर की औरतें क्या करती है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे के सफर के बाद मैं कतर अपने पति के पास पहुंच गई थी, मगर एयरपोर्ट पर सोहेल को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो या नहीं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी से भरा हुआ थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन ना जाने वो फिटकरी किसको देकर आ गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वह मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए थे, वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। अब मुझे उनसे सवाल करने का मौका ही नहीं मिला और फिर बाद में मैं भूल गई थी कि वो फिटकरी का आखिर करते क्या है। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में फिटकरी का कोई जिक्र आया, तो मैंने अपने पति सोहेल से पूछा कि आखिर आप फिटकरी किसको देकर आए हो। मैं अपने पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 2 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत अच्छे गुजारे थे। 2 महीने किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गए थे मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन 2 महीने पूरे होते ही मेरे पति मुझसे कहने लगे, अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस हिंदुस्तान चली जाओ। सोहेल की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई जिंदगी नहीं। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ कतर में ही रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तो वो कहने लगे कि यहाँ के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। मुझे अपने परिवार का भी खर्च उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फोन कर रही है और बहनों की भी स्कूल की फीस जमा करनी है। वो भी मुझे रोज फोन कर करके तंग कर रही है और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्च खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर सोहेल कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी यहाँ पर? बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने सोहेल से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन ही क्यों न करना पड़ जाए। मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। सोहेल को मेरी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन मैंने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ फैमिली में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर ज्यादातर हिंदुस्तानी फैमिली भी रहती थी और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरतें मेरे काम आ गई थी। 2-3 ऐसी फैमिली थी जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि कतर के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ भारतीय औरतों को ही खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पहली पसंद होता है। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मैं इस बात से बहुत खुश थी और मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही थी। किसी के घर मुझे सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिल गई थी तो किसी के घर सिर्फ झाड़ू बर्तन करने की नौकरी मिली थी। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे जिसमें आसानी से मैं अपने पति सोहेल के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि कुकिंग में तो मैं शादी से पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट थी।
मैं YouTube पर देख देख कर तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब सोहेल घर पर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने की और साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर भी रख लिया है। ये बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। सोहेल ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सोहेल की बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने सोहेल के दिल को मोम कर दिया था। अब खुद भी वो मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी नंदे ही मेरे पति को बहका रही है, मुझे वापस हिंदुस्तान बुलाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है और मजबूर होकर ही वो मुझे कतर से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन उनका मुझे भेजने का कोई मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर इतना ज्यादा रोना धोना मचाया कि सोहेल ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था क्योंकि अब मैं सोहेल के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। मैंने खुशी से सोहेल को अपने गले से लगा लिया और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जब ऑफिस जाते टाइम सोहेल ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप फिकर मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और उनके घर से जाते ही जल्दी से मैं अपने काम से फ्री हुई और फिर मेरी पड़ोसन मुझे कतर की औरतों के घर पर ले गई, जिनके घर बहुत ही बढ़िया थे, अंदर से बिल्कुल महल के जैसे लगते थे। मैं देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी। यहाँ के लोगों के घर सच में बहुत ज्यादा हसीन थे और वहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार व्यवहार की थी। कुछ कुछ औरतों को तो हिंदी भी समझ जाती थी लेकिन बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बना कर दूं। लेकिन पहले ही दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई, तो वहाँ पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी फिटकरी पड़ी हुई थी। फिटकरी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आई थी। पता नहीं सोहेल ने उस फिटकरी का क्या किया था, क्या पता यहाँ की औरतें इस फिटकरी का क्या करती है, लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे वो सब हिंदी नहीं जानते थे और न ही इंग्लिश जानते थे। और सोहेल तो पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सोहेल ने भी यही बताया था कि यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती है, इस बारे में उन्हें नहीं मालूम। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी और 2-3 घंटे में मैंने वहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैं दूसरे घर पर खाना बनाने के लिए चली गई थी और वहाँ पर जाकर भी मैंने बिल्कुल यही चीज देखी कि वहाँ के किचन में तो पहले वाले से भी ज्यादा फिटकरी भरी हुई थी। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सी रुचि जाग उठी थी कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक औरत किचन में आई और उसने फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में पानी लिया, फिटकरी का टुकड़ा उस बर्तन में डाल दिया और उसको ढककर कोने में रख दिया। पता नहीं उसने पानी में फिटकरी डुबोकर क्यों रखी हुई थी। मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो औरत ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो ये काम चोरी चुपके कर रही थी और मैंने काम करते हुए उसे देख लिया था, जैसे वो नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हुई थी। खैर मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा था। मैं सारे ही घरों में खाना बनाकर और साफ सफाई करके 6-7 घंटे में फ्री हो गई थी और सोहेल के घर लौटने से पहले ही मैं घर चली गई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हो रहा था। शाम को जब सोहेल घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल पूछे, तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है।
और मुझे यहाँ पर किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर पर भेज सकते हैं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूँगी। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे थे। आखिर ये सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही हूँ। सोहेल रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं कतर आई थी तब से पहली बार वो मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अब तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस न भेज दें। सोहेल मुझे अपने साथ एक बड़े से मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकान थी और यहाँ पर तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि शायद कतर में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली थी और आज पहली बार मैंने यहाँ का माहौल देखा था। हमने खूब सारी शॉपिंग की और मेरे पति ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। घर आते टाइम रास्ते में हमें सोहेल के एक दोस्त मिल गए थे। शायद वो ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सोहेल ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हूँ तो उन्होंने मुझे और सोहेल को अपने घर पर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। वो लोग भी कतर में ही रहते थे लेकिन उनकी हिंदी काफी अच्छी थी। सोहेल ने उनसे काफी मना भी किया कि हम लोग डिनर पर नहीं आ सकते, लेकिन वो नहीं माने और जब वो ज्यादा ही जिद करने लगे तो मेरे पति ने उनके डिनर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं सोहेल के दोस्त के घर जाने के लिए ज्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी थी और अपने हाथ से ही खाना बनाकर खा रही थी और यहाँ आकर किसी के घर दावत पर भी पहली बार ही जा रही थी। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों में काम किया और खाना बनाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी रेडी हो गई। सोहेल कह कर गए थे कि वह जल्दी ही काम से लौट आएंगे और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर जाएंगे। सोहेल के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया था। मैं सोहेल के दोस्त का घर देखती ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उससे कई गुना खूबसूरत था। उनके दो प्यारे से बेटे थे और एक छोटी सी 3 महीने की बेटी भी थी। छोटी बेटी को देखते ही मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया था। सोहेल के दोस्त की पत्नी का नाम जैनब था। वो किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उन्हीं के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आती हूँ। मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद करवा देती हूँ और फिर मैंने उनकी मदद करवाना शुरू कर दी। और तभी मेरी नज़र जैनब भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डिब्बे में रखा हुआ था। डब्बा ट्रांसपेरेंट था, इसी वजह से मुझे उसके अंदर की फिटकरी ठीक से दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर ये कतर की औरतें फिटकरी का क्या करती है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज जैनब से पूछ लेती हूँ, मगर जैनब से पूछने में मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम किया करती थी वहाँ की मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को पानी में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। जैनब का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि यह फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है, आखिर आप लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हो। हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी यह बात सुनते ही जैनब के चेहरे का रंग बदल गया
और उसने जल्दी से फिटकरी के डिब्बे को उठाकर अलमारी में रख दिया। उसका अंदाज भी बड़ा अजीब सा था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लग गई तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। ज़ैनब ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से अनुमति लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी चलती रही थी। सोहेल ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने सोहेल को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने यहाँ पर काफी घरों में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज ज़ैनब के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी थी जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कतर की औरतें क्या करती है इतनी सारी फिटकरी का? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हों, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती थी। वहाँ तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। सोहेल ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें पता करके इस बारे में बताता हूँ कि आखिर यहाँ की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती है और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहाँ लोगों के घरों में खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माता पिता की मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन फोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं सोहेल के पास आई थी, मेरी माँ को बहुत सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे। कहीं मेरी माँ को फिटकरी के बारे में कुछ पता हो, लेकिन मेरी माँ को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी को पानी में भिगोकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं कतर में आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम किया करती थी, वो लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ होती थी और जिनके घरों में मैं सफाई किया करती थी, वहाँ पर मेरी सफाई की भी खूब तारीफ की जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से काम करती थी। खाना भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं बनाना होता था। दो तीन टाइप की डिशेज थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनानी होती थी। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन सोहेल ऑफिस से घर आए तो मुझसे कहने लगे, मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी सी चाय बना दो। आज सोहेल का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। वो फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिसकी वजह से आप बड़े फ्रेश लग रहे हो। सोहेल ने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। आज तुम जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर फुर्सत से मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म करने वाला हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। मुझे फिटकरी के राज के बारे में पता चल गया है। मैं फिटकरी का राज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उनके पास आराम से जाकर बैठ गई। सोहेल ने मुझे बताया कि कतर की औरतें यह नहीं चाहती है कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल उनके पुराने जमाने से चला आ रहा है और वो इसे अपने तक ही रखना चाहती है। इसीलिए ज़ैनब भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सोहेल की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी। आखिर इस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने वाली बात है? सोहेल कहने लगे कि हर जगह की अपनी अपनी अलग रस्मों रिवाज होते हैं और इसी तरह हर जगह के अपने अपने अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीज इंडिया में होती है वो यहाँ पर नहीं होती।
इसी तरह फिटकरी का जो इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वो बिल्कुल ही अलग है, जबकि कतर की औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का फायदा हासिल करती है जो बहुत हैरान कर देने वाली है। मैं सोहेल की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। सोहेल ने बताया कि अगर हिंदुस्तान औरतों को इसके बारे में जानकारी हो गई तो हर घर में ढेर ढेर सारी फिटकरी नजर आने लगेंगी। मैंने अपने पति को घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दो, कितना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात सुनकर सोहेल ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। अपनी 24 साल की जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से सोहेल से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? सोहेल कहने लगे, हाँ बिल्कुल यही बात है। मैंने अपने कतर में रहने वाले बहुत करीबी दोस्त से इस बारे में पता किया है और उसने ही मुझे फिटकरी का राज बताया है। मेरा ये दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। इससे मुझे काफी लाभ होता है क्योंकि फिटकरी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा महंगी है और फिटकरी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने पर यहाँ पर फिटकरी ज्यादा आसानी से मिलती भी नहीं है। इसीलिए मैं जब भी इंडिया जाता हूँ तो वहाँ से फिटकरी जरूर लेकर आता हूँ और यहाँ पर महंगे दामों में बेच देता हूँ। यहाँ के लोग महंगे दाम में भी आसानी से फिटकरी को खरीद लेते हैं और सोहेल ने मुझे बताया कि कतर की औरतें पहले फिटकरी से एक खास तरह की दवाई तैयार करती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से तैयार करना सीखी है। पानी में कुछ सामान मिलाकर ये दवाई तैयार की जाती है और फिर फिटकरी को इस पानी में मिलाने के बाद कई दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रोज सुबह को निहार मुंह पानी वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। कतर की औरतें रोज सुबह को फिटकरी वाला पानी पीती है। इस दवाई का सेवन वह लगातार 3 महीने तक करती है। उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। जो कतर की औरतें पूरी लगन से उस दवाई को पीती है और तो और ये दवाई इसलिए भी काम आती है ताकि जो औरतें इस दवाई को निहार मुंह 3 महीने तक पीती है उनके पास खूबसूरत बच्चा तो होगा ही लेकिन बेटा ही पैदा होगा। इस दवाई को पीने से बेटे की ही पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी। सच में सोहेल ने ठीक कहा था कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सबकी सब औरतें इसी टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि कतर की औरतें इस बात को इतना छुपाती क्यों है। मेरी बात सुनकर सोहेल कहने लगे, हर किसी के अपने अलग तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बच्चा पैदा करने के लिए टोटका इस्तेमाल कर रही है। उन्हें लगता है कि किसी को बताने से उनका टोटका खराब हो जाएगा। सोहेल की बात सुनकर मैं अफसोस भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो फिटकरी भी नहीं है और न ही मुझे ये दवाई बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर सोहेल हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे बस बच्चे की चाहत है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहेल की सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटे की इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं अभी तक घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में एक घर की मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने हिसाब से उनका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया था और हैरत की बात ये थी कि उस औरत ने बेटे को ही जन्म दिया था। शायद उनकी बनाई हुई दवाई काम आ गई थी। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी गुड न्यूज दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की थी और मैं पूरे 9 के 9 महीने बिल्कुल फिट रही थी। 9 महीने के बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा भी बेटा ही पैदा हुआ था। मैंने तो ऐसी कोई दवाई नहीं पी थी लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे बेटे से नवाज दिया था। बेटा या बेटी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर टोटके करते रहते हैं। कतर की औरतें भी ऐसे ही टोटकों के चक्कर में फंसी रहती है। मैं ये बात तो नहीं जानती थी कि कितनी कतर की औरतें फिटकरी की दवाई के टोटके से जानकार है।
लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था ज्यादातर कतर की औरतों के घरों में फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए किसी ऐसे ही टोटके का इस्तेमाल करते हैं, या अपने आसपास किसी को बेटे की इच्छा में इस तरह के जादू टोने टोटके या किसी बाबा के पास जाते हुए देखते हैं? ये सारे काम बिल्कुल ही गलत है। ऊपर वाला हमें बेटा दे या बेटी, हमें उसकी नेमत समझकर अपने पास रख लेना चाहिए। ऊपर वाला हमें औलाद से नवाज रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। बेटा या बेटी कुछ नहीं होता, औलाद होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति सोहेल के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैंने कतर की औरतों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि यह बात मुझे पसंद नहीं आई थी कि बेटा होने के लिए वो लोग इतना ज्यादा टोटकों का इस्तेमाल किया करती थीं। बेटी होने के लिए भी तो लोग टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर बेटी भी ऊपर वाले की ही नेमत होती है। मुझे तो बेटियां बहुत पसंद है और मैं दुआ करती हूँ कि अगली होने वाली औलाद ऊपर वाला मुझे बेटी ही दे। मुझे बेटियां बहुत पसंद है, मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एक बेटी की ख्वाहिश और है, ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।